चौथा गांधी अपनी जवानी कुर्बान करने के लिए, खुद को कुर्बान करने के लिए देश हित में निकला है। एक साथ दो बहनों को फंदे पर लटका के मार भी दिया गया। हमारे वो लाला रामदेव जी, सॉरी वो बाबा रामदेव जो है, महज एक तमाशा ना बना हुआ किसी चीज को। कितनी सफल होती हुई नजर आ रही है, 14 दिन अभी पूरे हुए। ये तो आप जो हमारे देश की मंत्री हैं, महिला मंत्री, जिन्हें संसद की मर्यादा तक नहीं पता है, उन्होंने ही बता दिया कि सफल होती कितना नजर आ रही, क्योंकि मुझे लगता है उनके चश्मे का साइज थोड़ा बढ़ गया है। जो उनको जब कन्याकुमारी से निकली थी, विवेकानंद जी की प्रतिमा के चक्कर भी लगाए, उनको नमन भी किया राहुल गांधी जी ने, और वे बेखौफ होकर के, निर्लज होकर के झूठ बोल रही थी कि राहुल गांधी जी ने नमन नहीं किया। ये तो उनकी हालत और उनका इतना मजबूत तरीके से झूठ बोलना ही बता रहा था कि राहुल गांधी जी की और ये तमाम कांग्रेस के लोगों की और आम जनता की जो भारत जोड़ो यात्रा है कि ये कितनी सफल है। ये तो उन्हीं ने बता दिया था बैठ करके टीवी पे। हमारे वो लाला रामदेव जी, सॉरी वो बाबा रामदेव जो हैं, उद्योगपति बड़े कमाल के हैं, दुनिया को कहते थे योग सीखो योग सीखो, अभी हम और आप योग सीखने लगे, लेकिन वो बिजनेस करने लगे, अलग बात है। लेकिन उन्होंने भी बता दिया है आप ईमानदारी से मेहनत इतनी शिद्दत से कीजिए कि दुश्मन भी नतमस्तक हो जाए आपके सामने, और उन्होंने भी बता दिया कि राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं बहुत। तो ये तो तमाम बीजेपी के लोग ही बता रहे हैं कि कितनी मेहनत है और कितनी रंग ला रही है यात्रा। लेकिन बीजेपी के लोग, हेमंत बिस्वा शर्मा जो कभी कांग्रेस में थे, अभी उन्होंने एक बयान दिया, बड़ा बयान दिया कि गांधी तो सिर्फ इस देश में एक ही थे, वो थे महात्मा गांधी, बाकी कोई गांधी। अच्छा, जब महात्मा गांधी को शुक्र है कि उन्होंने महात्मा गांधी जी को गांधी माना, लेकिन हेमंत जी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी जो है ये जो अराजक तत्व होते हैं, इन्होंने गांधी जी की यहां से, आपने भी देखी होगी वो वीडियो, यहां से जो है गर्दन हटा दी गई, तोड़ दी गई, देखी आपने कि नहीं, देखी ना वीडियो, तो आपने उनके लिए क्यों नहीं बोला। दूसरी बात, गांधी तो गांधी है, तीन तीन वो गांधी थे जो देश के लिए कुर्बान हुए, और आज चौथा गांधी अपनी जवानी कुर्बान करने के लिए, खुद को कुर्बान करने के लिए देश हित में निकला है। आपके अंदर के भीतर का जो भय है वही इस बात की गवाही दे रहा है कि वो राहुल गांधी है, यही गवाही दे रहा है। ज्यादा इस विषय में बोलने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि आपके अंदर की घबराहट, मिचलापन, और ये ऐसे समय पर जहां जनता की आवाज बुलंद होनी चाहिए, चीते बिल्ले लाना, ठीक, यही आपकी घबराहट को बताता है कि राहुल गांधी कितनी मजबूती, कितनी ईमानदारी, कितनी शिद्दत से अपने काम को पूरा कर रहे हैं और आम जनता उनको प्यार दे रही है। भाजपा वाले बोल रहे हैं चीते लाने से दिक्कत क्या है कांग्रेस को। किसने बोला चीते लाने से दिक्कत है? अरे चीते लाने से दिक्कत नहीं है, ये जो आप 56 दिन बैठ करके जनता की बेरोजगारी, बेटियों के बलात्कार नहीं दिखा रहे। अभी ताजे ताजे दो बलात्कार हुए लखीमपुर में, एक साथ दो बहनों को फंदे पर लटका के मार भी दिया गया, ये नहीं दिखा रहे हो। अरे चीतों का तुम खाना पीना, अगना मूतना, खाना सोना रहना सब दिखा रहे हो, न गाय की समस्या दिखा रहे हो, लंप से परेशान हो रही, न बेरोजगारी दिखा रहे। हमें परेशानी इस चीज़ से, और चीते देश में पहले भी आए हैं, और हमारे पहले के राजा और हमारे जो हमारे नेता नेहरू जी, इंदिरा जी, ये तमाम लोग, इनकी दोस्ती होती थी चीते से, ऊपर खड़े होकर के वीडियो कैमरा फोटो शूट नहीं करते थे ये लोग। तो ये, और मैं किसानी से ताल्लुक रखती हूँ, मैं आपको बता दूँ तो हमें ये सब कीड़े मकोड़े से हो गए, ये सारी चीजें जंगल में मिलती रहती है। आने अभी कुछ समय पहले बहुत ज्यादा हुआ था मेरठ में चीते का, तो हम तब भी देखने के लिए गए थे, ठीक है। महज एक तमाशा ना बना हुआ किसी चीज को, लाखों करोड़ों रुपए आपने खर्च किए, 500-700 करोड़ में आप लेकर आए उनको डेंटिंग पेंटिंग करवा करके, वो देश में चीता आने पर वो ये सोच रहा है कि मैं भारत आया हूँ या बीजेपी में आया हूँ। हमारे अकाउंट में 15 लाख दे दो। चलिए 15 लाख की बात और क्या भाई, क्या करे, युवा है, एक देश का पत्रकार, एक देश की जनता, ये कभी नहीं भूलती, नेता कुर्सी पे बैठ के सब कुछ भूल जाता है, ये जनता याद रखती है। अभी देखो कितनी पुरानी बात भाई ने करी है।